मित्रों हेलो। नमस्कार, मित्रों नमस्कार। अभी कुछ देर पहले हमने आनंद बोडिया जी का सारगर्भित वक्तव्य सुना। मित्रों, आनंद जी ने मनु जी पर अपनी बात रखने के लिए कम समय में ही अच्छी खासी तैयारी की है। हम उनकी इस तैयारी से वंचित न रह जाएं, इसलिए हमने उन्हें पुनः इस मंच पर आमंत्रित किया है। कुछ तकनीकी कारणों से वे हमसे विलग हो गए थे। हम उन्हें दोबारा जोड़कर अति प्रसन्न हैं। मित्रों, आनंद बोडिया जी के साथ मेरे इस संवाद में दो महत्वपूर्ण खंड होंगे। पहले खंड में आनंद जी मन्नू जी की कहानियों पर बात करेंगे और उन कहानियों के निर्माण के पीछे क्या वास्तविक घटनाएं रही, क्या प्रेरक तत्व रहे, इस पर बात करेंगे। और दूसरे खंड में मन्नू जी से जुड़े कुछ संस्मरण भी हमसे साझा करेंगे। आनंद साहब, आपका पुनः हार्दिक स्वागत है और हम आपसे यही सवाल करते हैं कि मन्नू जी की कहानियां भी काफी लोकप्रिय रही, लोगों ने खूब पढ़ा, उनके मंचन हुए, उन पर फिल्में बनी, तो आपके पास क्योंकि उनसे जुड़े कई निजी संदर्भ हैं, तो कृपया बताएं उन कहानियों के बारे में और उन कहानियों के पीछे के जो की जो वास्तविकताएं हैं और उनके निर्माण के पीछे, उनके गठन और रचाव के पीछे जो प्रेरक तत्व हैं, उन पर रोशनी डालें। आनंद साहब, हाँ, अर्पण कुमार जी, फिर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। मित्रों, मुझे जो बड़ी मोटी मोटी बातें थी वो तो मैंने लगभग आपसे साझा कर ली हैं। कुछ एक बातें, जैसे कुछ एक बात मुझे याद आ रही है कि इस परिवार में प्रामाणिकता का कितना और एक 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 खुलेपन का और एक अपना काम कर लें उसका क्षय न ढूंढते रहने का। रत्ना जी नमस्कार। वो जो एक है उसकी एक झलक जैसे मैं बताता हूं। मैंने आपको बता रहा था कि मनु जी के पिताजी ने पहला हिंदी इंग्लिश शब्दकोश डिक्शनरी जो बनाई थी वो अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। हुआ यह कि जवाहरलाल जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू एक बार रशिया गए थे। वहां रशिया में हिंदी रशियन शब्दकोश का निर्माण हो रहा था, तो उन्होंने कहा कि हम सहायता ले रहे हैं सुख संपत्ति राय भंडारी जी का हिंदी इंग्लिश शब्दकोश, तो उससे हम इंग्लिश का पता कर रहे हैं। विमल कुमार जी नमस्कार, अच्छा लगा आप पसंद कर रहे हैं। तो पंडित जी बड़े प्रभावित हुए कि भाई ये इतना बड़ा भारी पुस्तक, पंडित नेहरू बड़े प्रभावित हुए कि इतनी बड़ी पुस्तक, बड़ा काम, मतलब बड़ी मोटी पोथी हिंदी इंग्लिश डिक्शनरी की किसने बनाई है वो। तो वो जब वापस दिल्ली आए तो उन्होंने सुख संपत्ति राय जी भंडारी को बुलाया कि मिलने के लिए, मनु जी के पिताजी को। अब देखिए, उस समय सुख संपत्ति राय जी भंडारी थोड़ी सी आर्थिक कठिनाई, इसलिए कि उन्होंने इतना इसमें काम किया था और उस समय की यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन तो नहीं था, यूजीसी तब तक तो नहीं बना था, जो और जो संगठन था जो सारे विश्वविद्यालयों का काम देखता, उनके निर्देशन देता था, उसमें ये ग्रंथ स्वीकृत हो और वहां की लाइब्रेरियों में लिया जाए, ये वो चेष्टा कर रहे थे। पंडित जी ने जब बुलाया, जवाहरलाल, पंडित जवाहरलाल जी नेहरू ने बुलाया, तो
सुखत्रमपति राजे भंडारी गए, नेहरू जी से मिले, पर यह जिक्र नहीं किया। उनको पंडित जी ने शाबाशी दी, उनके साथ थोड़ा सा समय बिताया, उनसे पूछा और आप क्या कर रहे हैं, ये इत्यादि इत्यादि। पर आप ये देखिए कि भंडारी साहब ने पंडित नेहरू को ये नहीं कहा कि ये शब्दकोश जो है विश्वविद्यालयों के लिए स्वीकृत करके और सब जगह लगवा दीजिए। ये एक छोटा, क्योंकि पंडित नेहरू देख चुके थे रशिया विजिट में कि वहाँ के लोग इससे कितना फायदा ले रहे हैं। तो ये एक परिवार की एक 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 जो जो डिसेंसी और जो एक रिफाइनमेंट है उसका अंश मन्नू जी की लाइफ में कई जगह जगह आता है। मैंने उनके पद्मश्री के बारे में भी जिक्र किया। ये बड़ी बात उस समय, देखिए ये बात होगी 79-80 की, 77-78 की होगी अब उनको पद्मश्री मिलने का। तो वो उस समय इसका स्थिति और थी। अब तो कई जो जिसके जो इसको उसके लायक नहीं होते उनको भी मिल जाता है, इसलिए इन सब का थोड़ा डिबेसमेंट हुआ, इनका घिराव हुआ। पर उस समय इसकी वक्त थी और वो मन्नू जी ने मकबरा की और वो फिर उनका कहीं जिक्र नहीं किया। तो ये 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 एक रिफाइनमेंट ऑफ सिविलाइज्ड सोसाइटी के बड़े उदाहरण हैं जो इस परिवार में देखने को मिले। मन्नू जी के जैसे तीन बड़े नॉवल, एक इंच मुस्कान तो ठीक है, मतलब वो यादव जी के साथ लिखा और उसमें कुछ मोड़ इधर उधर आ गए, कहीं वो हीरोइन को मारी दिया और एक ऐसा हुआ, वो बड़ी मुश्किल से चला। फिर बंटी बहुत मशहूर हुआ, आपका बंटी। आपका बंटी उस समय का एक प्रमुख दस्तावेज है, इसमें कोई शक नहीं। और पारिवारिक विघटन से बच्चे पे क्या असर होता है, पर उसमें जो भावना है, भावनात्मकता आई है, वो बहुत बहुत क्लिष्ट नहीं है। बहुत मैं उसको वो थोड़ी सी इफ आई मे यूज द वर्ड, थोड़ी सी जैसे फिल्मों में इमोशंस को उजागर करना के लिए कुछ नुस्खे होते हैं, वैसा लगा मुझे। मैं उसको पर महाभोज मेरे लिए बहुत अप्रतिम रचना है। और वैसे आप फिर मैं कहूँ, धर्मयुग में जब सीरियल प्रिंट हुई आपका बंटी, तो लोग बाग धर्मयुग का सर्कुलेशन बढ़ गया। आप के जमाने में शायद कुछ लोगों ने तो धर्मयुग जो बहुत मशहूर पत्रिका थी हिंदी की, उसका देखा, उसको देखा ही नहीं होगा। पर हमारे समय में, मतलब जब हम 25-30 के रहे होंगे, तब धर्मयुग बहुत प्रमुख हिंदी का पेपर था और नई कहानियां और सारे का, ये तीन ही प्रमुख। और धर्मयुग में एक कहानी आती थी और एक सीरियल से वो आता था, अब उपन्यास आता था, और वो आपका बंटी बहुत प्रसिद्ध रहा। उतना ही प्रसिद्ध जैसे शिवानी का एक नॉवल आया था, मुझे याद नहीं आ रहा है, वो भी बहुत प्रसिद्ध हुआ, नाम ये। तो उसी तरह आपका बंटी एक ऐसी रचना थी जो विशुद्ध साहित्यिक रचना होते हुए भी बंटी जो है वो बहुत बहुत पॉपुलर हुआ। और भारती जी कहा करते थे, धर्मवीर भारती कहा करते थे कि धर्मयुग का सर्कुलेशन बंटी की वजह से बहुत बढ़ा है। हालांकि उन दिनों पारितोषिक राशि तो बहुत छोटी हुआ करती थी, और कभी भी बेनेट कॉलमन ने के जितने पत्र पत्रिकाएं हैं उसमें लिखने वाले को कोई खास राशि देते नहीं थे। खैर वो एक, और ये एक बड़ा संकट का विषय है हिंदी में कि सिर्फ रचनाकार को सिर्फ सर्कुलेशन से या पत्रिकाओं से जो परिश्रमिक दिया जाता है वो इतना छोटा होता है कि उससे गुजारा नहीं हो सकता है।
आप अंग्रेजी में देखें तो अमेरिका में और यूके में कुछ पेमेंट्स जो मैगजीन्स करती हैं वो इतना बड़ा होता है कि दे लिव वेरी लविशली। ये हिंदी की पत्रिकाओं का एक बड़ी भारी कमजोरी है और ये एक बड़ी भारी संकट का विषय मैं मानता हूँ। खैर, तो बात चल रही थी आपका बंटी का। मुझे अभी पोस्ट आप ही के एक श्रोता कह रहे हैं कि आपका बंटी बहुत महानतम उपन्यास है, मैं मानता हूँ वो है, पर उसमें जो एक कथार्सिस होता है, जो एक इमोशनल पॉइंट को टच करता है, बंटी एक बच्चा जो किस तरह सफ़र करता है परिवार के टूटने में, ये इमोशन बहुत आसान है ये, पर मनु जी ने उसको बहुत, उसका जो ताना बाना बुना है वो बहुत सुंदर है। और वो उस समय का जो पारिवारिक विघटन का प्रारंभ हुआ था, तो उस समय आपका बंटी का मैं सोचता हूँ कि बहुत बड़ा योगदान था। और ये एक बहुत बड़ी विषय है, बड़ा विषय है कि हम अपने संस्कारों को, सभ्यता वर्ड थोड़ा सा इम्पेचुअस लगता है, पर हम आप कितने अपने संस्कारों को, अपनी सभ्यताओं को, अपने परिवार को की अच्छाइयों को रखते हुए किस तरह हम आधुनिकता की ओर बढ़ सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि औद्योगिकरण से, विश्वकरण से और मॉडर्नाइजेशन से क्या हमारे मूल्य टिक सकते हैं या नहीं टिक सकते। मार्क्स का एक बहुत मशहूर थ्योरी है कि मोड्स ऑफ प्रोडक्शन डिटरमिन द सुपर स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी, कि हमारे आपसी संबंध परिवार के कैसे होंगे वो मोड्स ऑफ प्रोडक्शन में डिटरमिन करते हैं। तो एक साम्राज्य फ्यूडलिज्म के टाइम पे 5 दिन का टेस्ट मैच चल सकता है, पर आज तो 2020 चलेगा क्योंकि ये मशीनीकरण युग है, लोगों के पास समय नहीं है। उसी तरह क्या जॉइंट फैमिली लाइफ आज के ज़माने में इस तरह चल सकती है। अब कुछ तो दूरियां होंगी, परिवार बिखरेगा, पर उस समय जब ये एक शब्द, ये इशू बहुत मौजूद था, इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ, औद्योगिकरण शुरू ही हो रहा था, विघटन शुरू ही हो रहा था, तब बंटी आया। तो वो एक कहीं हिंट कर सकता है बंटी कि ये जरूरी नहीं है कि औद्योगिकरण से, आधुनिकता से पर पारिवारिक विघटन आवश्यक है। ये वो हिंट करता है कि ये नहीं है। और हो सकता है कि, अब मुझे याद नहीं है नायक और नायिका के नाम, बंटी का तमाम खैर याद ही है, तो ये इस मायने में बंटी बहुत इम्पोर्टेंट है। जहाँ तक महाभोज का सवाल है, महाभोज जैसा मैंने कहा कि मैं सोचता हूँ कि उत्तर प्रेमचंद युग का अगर 5 या 7 प्रमुख उपन्यास लिए जाएं तो उसमें महाभोज आएगा। हो सकता है उसमें उस समय के राइटर का अंधेरे बंद कमरे राकेश जी का आ सके। सारा आकाश भी एक प्रमुख दस्तावेज था, पर मैं अब उस चर्चा में नहीं जाना चाहता। महाभोज में ने, जैसा मैंने आपको पहले ही कहा कि हमारी सभ्यता का जो एक बहुत बड़ा फॉल्ट लाइन है, जो एक बड़ी फॉल्ट लाइन है, उस विषय को लेके उसका कैसे पॉलिटिसाइजेशन हो जाता है, उसका एक बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है। और उसकी, देखिए, जब अंबेडकर और गांधी जी में वर्ण सिस्टम को लेके झगड़ा हुआ और अंबेडकर ने कहा कि आपको ये कहना पड़ेगा कि मनुस्मृति हम नहीं मान सकते, और गांधी जी ने कहा नहीं, हमारा परिवार बदल जाएगा, हमारा ढांचा बदल जाएगा, हम वर्ण सिस्टम को और या अछूत, नॉन टचेबिलिटी को, अछूतपन को खत्म कर देंगे 5 साल में, 10 साल में,
और अम्बेडकर ने कहा हम नहीं कर पाएंगे, पर वो आज भी खत्म नहीं हुई है। वो दलितों के प्रति जो जो अत्याचार होते हैं वो अब भी चल रहे हैं, और मैं सोचता हूँ कि ये बहुत बड़ा फॉल्ट लाइन है। मैं एक पर्सनल एग्जांपल देता हूँ। मैं बेल्जियम में था तो वहाँ इस्कॉन मंदिर में गया था। वहाँ एक फ्रेंच आदमी बड़ा ज्ञानी, वो कहने लगा कि आप आनंद भोले जी कहाँ से हैं? मैंने कहा मैं उदयपुर से हूँ। ओ नाथद्वारा श्रीनाथ जी पुष्टि मार्ग? तो मुझे बड़ा ताजुब के बड़ा, और उसने फिर बात शुरू करी। मैं आऊंगा महाभोज पे, पर ये प्रसंग इसलिए बता। उसने जब बात शुरू करी तो उसने पुष्टि मार्ग को कैसे वल्लभाचार्य और विठ्ठलाचार्य विठ्ठल स्वामी ने अद्वैतवाद पुष्टि मार्ग में डाला, इस पे वो चर्चा कर रहा था, वो फ्रेंच आदमी। और बड़े मैं एकदम इतना प्रभावित हुआ उससे। मैं ही सोचता था कि मुझे ये जो पता मतलब ये है पुष्टि मार्ग में कैसे अद्वैतवाद लाया गया, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है रामानुजाचार्य की। फिर एक और कोई आए तो मैंने कहा कि मीट माय हिंदू फ्रेंड, क्योंकि वो जो फ्रेंच आदमी था वो कह रहा था कि मैं तो इस्कॉन में भन गया हूँ, मैं घर बार छोड़ दिया है। तो मैंने कहा मीट माय हिंदू फ्रेंड, तो उसने कहा मिस्टर बोडी आई एम नॉट ए हिंदू। मैंने कहा बट यू हैव बिकम इस्कॉन फॉलोअर इंटरनेशनल कृष्णा कॉन्शियसनेस, यू कैन टॉक ऑन द्वैत एंड अद्वैत, यू कैन टॉक ऑन पुष्टि मार्ग, यू कैन टॉक ऑन ज्ञान मार्ग भक्ति मार्ग कर्म वार, तो आप तो हिंदू हैं ही। मैंने कहा मैं हिंदू क्यों बनूंगा, मैं ब्राह्मण तो बन नहीं सकता क्योंकि मेरे पिता ब्राह्मण नहीं थे, माता नहीं थी। मैं क्षत्रिय तो बन नहीं सकता क्योंकि मेरे माता पिता नहीं थे। मैं वैश्य भी नहीं बन सकता क्योंकि मेरे माता पिता नहीं थे, तो मैं क्या बनूंगा, मैं शूद्र बनूंगा। तो मैं ये धर्म क्यों अंगीकार करूं जिसमें मुझे शूद्र का दर्जा दिया जा सकता है और कोई दिया ही नहीं जा सकता, जबकि मैं कर्म से सिर्फ वेद और पुराणों को पढ़ता हूं, यही मेरा कर्म है। तो मैंने कहा नहीं, कर्मवाद कर्म ही तय करता है। उसने कहा देखिए मजाक की बात मत करिए, कर्म नहीं तय करता है। आपके द्रौपदी ने जब कर्ण धनुष उठाने गए थे तो मखौल उठाई थी कि एक सूत पुत्र कैसे ये कर सकता है, उसने शंभू को राम जी श्री राम ने किस तरह मार दिया था और ये था। तो उसने कहा ये आप छोड़ दीजिए कि कर्मवाद नहीं, ये है। तो मैं इंगित ये कर रहा था कि मैं सोचता हूँ कि भारतीय सभ्यता का सबसे बड़ा फॉल्ट लाइन और जो 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 हमारी प्रगति का बाधक है वो है वर्ण सिस्टम, मतलब शूद्रों के प्रति। और महाभोज में कैसे इस फॉल्ट लाइन को डिफरेंट वे में एक्सप्लॉइट किया पॉलिटिशियंस ने, किया कुछ नहीं, किस तरह इसको एक्सप्लॉइट किया पॉलिटिशियन ने, इसका ये एक बहुत बड़ा दस्तावेज है। इसीलिए मैं महाभोज को उत्तर प्रेमचंद युग का पहले 5 ग्रंथों में, पहले 5 उपन्यासों में मानता हूँ। ये मैं आपसे साझा करना चाहता था जो मेरे सुधी श्रोतागण हैं। तो एक तो ये बात, इसलिए इसकी कड़ी बहुत दूर तक जाती है महाभोज की, और इसलिए ये प्रामाणिक मैं, और इसलिए इसको बहुत इम्पोर्टेंट देता हूँ कि उस समय में इतना महत्वपूर्ण ग्रंथ इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर नहीं लिखा गया, कोई उपन्यास इतना महत्वपूर्ण जिसकी अनफॉर्चुनेटली बहुत अच्छा होता कि 20 साल में बाद ये उपन्यास गौण हो जाता, क्योंकि हमारे समाज से ये कुरीति हट गई। अब जब ये कुरीति हट जाएगी तो ये उपन्यास एक इतिहास का इम्पोर्टेंट अंग हो जाएगा, पर कहीं लगता नहीं है। और ये मनु जी की कुशाग्रता है कि हमें लगता नहीं है कि हम इस कुरीति से निकल पाएंगे, और इसलिए मैं महाभोज को बहुत महत्वपूर्ण देता हूँ। अब कई कुछ कहानियाँ बहुत उनकी, अब देखिए पिछले 10-15 साल से तो कहानियाँ उनकी वापस पढ़ी नहीं, वैसे कोई ऐसी कहानी नहीं है जो मैंने नहीं पढ़ी हो,
क्योंकि जो भी कहानी आई उन किताबें आई उनकी सभी मैंने पढ़ी, सभी मेरे पास हैं भी। कुछ कहानियां जो कि स्वयं के देखिए अर्पण कुमार जी, मैं ज्यादा तो नहीं बोल रहा हूं बहुत लंबा, उधर से सवाल जवाब नहीं आ सकता है, अरे पता नहीं। देखिए एक और कहानी है उनकी जिसको कि मैं बहुत इंपॉर्टेंट मानता हूं, और ये एक हर परिवार की दास्तान है, वो है त्रिशंकु। क्यों मानता हूं मैं, जो महिला, जो लड़की पिताजी से झगड़ा करती है, स्वतंत्रता संग्राम में करती है, मॉडर्न अपने आप को आधुनिक मानती है, समाज से के बंधनों से जो जो बंधन उचित नहीं है उनसे निकलना चाहती है और दबंग है, जब वो माँ बन जाती है और उसकी बेटी उससे भी बहुत आगे जाना चाहती है, तो कहीं उसको ये एक्सेप्ट करने में जो एक दुविधा होती है, इसका बहुत सुंदर चित्रण उन्होंने त्रिशंकु में किया। आई थिंक त्रिशंकु कहानी का ही है ये इतनी इतनी मतलब दिस इज एप्लीकेबल इन लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन सोसाइटी, कि आप अपने समय के बड़े आधुनिक थे और आपने अपने समय में वो सब से बाहर निकलना चाहते थे जो बंधन थे, पर जब आप माता बन जाते हैं, आप माता बन जाती हैं, आप जब पिता बन जाते हैं, तो आपको अपने बच्चों का वो जो आपसे भी 10 कदम आगे चले गए उनको स्वीकार करने में दुविधा होती है। ये इसका बड़ा अच्छा, ये पीढ़ी दर पीढ़ी कैसे आधुनिकता अपनाने में जो पारिवारिक दिक्कतें आती हैं, जो पारिवारिक नॉन एक्सेप्टेंस होती है, उसका बहुत यूं तो कई कहानियां हैं जिनके बारे में बात कर सकती है। सोमा भुआ बहुत अच्छी सुंदर कहानी है और वो परिवार के ही किसी उस पर है। हाँ टिंकू, त्रिशंकु नहीं है क्या वो कहानी? त्रिशंकु नहीं है क्या? अरे मैं बोल रहा हूं अभी भी, फिर बुलाया। हाँ तो जैसे एक कहानी है इनकम टैक्स और नींद, ये उन्होंने अपने चाचा पे, वो वैद्य थे और अब बाबा रामदेव ने तो उसको और ही दिशा दे दी है, उसके बात नहीं, पर वो समय जो आज से 20-30 साल पहले वैद्यों को कहते थे ठीक है चल रहा है, अब जब बीमार नहीं हो तो वैद्य होते ठीक है, पर बीमार आज हो जाए तो डॉक्टर को ही दिखाना चाहिए। तो इनके एक अंकल थे, वो वैद्य थे, तो वैद्यों की आदत होती है जैसे कि बहुत हमारे समाज में कई अरसे तक वैद्यों की वो स्थिति नहीं थी जो डॉक्टर्स की थी। अब बाबा रामदेव का किस्सा अलग है, वो एक फ्रॉड अलग है, उसका मैं नहीं बात करना चाहता हूँ। बस ये मैं एक छोटा सा एक क्योंकि प्रसंग उठाए तो कह दूं कि बाबा रामदेव जो योग सिखाते हैं वो किस उम्र में कॉन्ट्रा इंडिकेशन है उसके, हार्म कर सकता है किन किन बीमारियों में, वो कभी नहीं बताते हैं। तो इसलिए मैं थोड़ा सा हट के कह रहा हूं कि अच्छी योग की किताब पढ़ें, किस बीमारी में, छोटी सी बीमारी हो, गला खराब हो, पेट खराब हो, कौन सा आसन नहीं करना चाहिए, वो कभी नहीं बताते हैं, पर उसके बड़े दुष्परिणाम होते हैं, वो खैर बात छोड़ दो। तो आए हम उनके इनकम टैक्स और नींद, एक अच्छी छोटी सी कहानी है, बहुत अच्छी सी कहानी, बहुत सुंदर कहानी है। तो उन वैद्य जी को इनकम टैक्स का नोटिस आता है कि आप टैक्स भरिए, तो कैसे वो अपने आप को ही थिंक्स ही हैज डन ग्रेट अचीवमेंट, सबको पता है भाई इनकम टैक्स का आ गया क्या करें, वो आ ही जाता है, प्रैक्टिस चल रही है तो जाना पड़ेगा, ये होगा। तो ये एक बहुत सुंदर, एक बहुत सहज सुंदर तरीके से एक आई वुड से कटाक्ष है, पर एक सुंदर
दृष्टि से देखा है कि किस तरह कभी कभी हमारे समाज में आपकी स्थिति की इम्पोर्टेंस जब होती है जब आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ जाता है। तो देखिए अब मैं कहानियां बहुत सी हैं, अब उनके कुछ नाम याद नहीं आ रहे हैं बिकॉज कुछ बात की कहानियां हैं जिसमें अभी जिक्र भी हुआ था जिसमें लैक ऑफ इंटीग्रिटी ऑफ हस्बैंड, यूँ तो बड़ी चौड़ी बातें करते हैं पर जब घर का आ जाता है, घर का मसला आता है तो उनकी कैसी संकीर्णता होती है, ये मनु जी की कहानियों में काफ़ी अक्सर आया है और उसका प्रभाव पड़ा है। तो बस मैं यही फिर बात आपसे साझा करना चाहता था। कहानियाँ बहुत हैं, अब मैं सॉरी आप मैंने आई शुड हैव रिटन डाउन नोट्स, मैं उनको पढ़ के बात कर सकता था पर अचानक ही मुझे नहीं लगा कि इतना लंबा खींचेगी बात, तो इसलिए मैंने किया नहीं। मैं अभी तो यहाँ अपनी बात को बंद करूँ तो बेहतर होगा। हेलो, हाँ स्त्री सुबोधनी, एब्सोल्युटली रचना ने बिल्कुल सहा, रचना अभी लाइन पे आई है, स्त्री सुबोधनी वो कहानी थी जिसमें इसकी चर्चा है। अब देखिए इस पे अगर थोड़ा मैं ध्यान देके और डिटेल लिखता तो कर सकता था पर इतना समय नहीं मिला मुझे। तो अर्पण कुमार जी मुझे जो कुछ थोड़ा और कहना था वो मैंने साझा कर दिया है। जी आनंद साहब, हाँ बताएं के बहाने, हाँ बताएं जी आपके बहाने मनु जी की कुछ कहानियों पर अच्छी चर्चा हुई और हम उसके पीछे के कुछ वास्तविक संदर्भों से भी अवगत हो सके जो रोचक भी हैं, महत्वपूर्ण भी हैं और हमारी सामूहिक मानसिकता के द्योतक भी हैं। अब मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप मनु जी से जुड़े कुछ संस्मरण भी हमसे कृपया साझा करें। जी संस्मरण तो देखिए बहुत से हैं। अब मनु जी के यहाँ हम एक परिवार की तरह से रहे। मैं विदेश से जब लौट के आया तो मेरी बेटियाँ और मेरी पत्नी उनके यहाँ रहे कुछ दिन और उन्होंने जिस ऊष्मा से, जिस स्नेह से, जिस प्यार से मेरी पत्नी और बच्चियों को रखा कुछ दिन कुछ महीने, और उनके घर पे गोष्ठियाँ होती थी और मनु जी हर गोष्ठी में इतनी उतना भाग नहीं लेती थी जितने यादव जी और यादव जी के अन्य मित्र लेते थे, पर अंत में वो कुछ जो जो कमेंट्स करती थी, जो जो उनके जो वाक्य उनके जो कमेंट्स होते थे वो बहुत ही सुंदर होते थे। और जब ये विवाद चलता रहता था घर पे और साहित्यकार आते रहते थे तब ऐसा लगता था कि मनु जी जो है वो उसमें पूरा भाग नहीं ले रही हैं, पर वो पूरा भाग ले रही होती हैं और अंत में जो वो अपने कमेंट्स करती थी वो बड़े मौजू होते थे, बहुत सुंदर होते थे। मनु जी का के व्यक्तित्व में जो कि उनकी कहानियों में झलकता है बहुत, वो ये है कि वो बड़े प्रामाणिक बातें कहने में विश्वास करती थी। ये एक ताना बाना बुन के और एक छद्म बौद्धिकता उनकी कहानियों में नहीं मिलेगा। ये बहुत उनकी कहानियां समाज, परिवार और मोहल्ले से उठाई हुई कहानियां हैं और उन्हीं को
को सुलझाने की, उन्हीं के वर्णन करने की कहानियां हैं। और इसलिए मैं सोचता हूं, मैं एक बार फिर रिपीट करूं, मैं कह चुका हूं कि कई बार मुझे लगता है कि बौद्धिकता, बौद्धिकवाद ने रचनाक्रम को ठेस पहुंचाई है। ये उस समय के 3-4 लेखकों के लिए मुझे बहुत स्ट्रांगली फील होता है, और वो मनु जी में नहीं है। मनु जी ने आस पड़ोस में, परिवार में, परिवार के सदस्यों में, समाज में जो वो जो उनको देखा, और उसके देखने के पीछे जो मनस्थिति लोगों की रहती है, उससे कहानियों का ताना बाना बुना, और ये एक इसकी वजह से उनकी कहानियों में एक जैसे साहित्य समाज का दर्पण एक जो कहा बहुत कॉमन था, वो उसका आभास हमें हर जगह होता है। अर्पण जी, अब जी आप कहें तो इसको जी करें। आनंद जी, कोई और ऐसी बातचीत जो आप मनु जी से संबंधित करना चाहते हो तो करें, अन्यथा फिर इस संवाद को यहीं समाप्त किया जाए, जैसा कहें। हाँ, मेरे ख्याल से मुझे बहुत मुझे मुझे अफसोस है कि मैंने थोड़ा पूरा होमवर्क नहीं किया। कुछ कहानियों का मैं अगर वापस याद करने की कोशिश करता तो उनका प्रसंग याद आ जाता मुझे, पर ये है। और बस मैं यही एक जो छवि मैं आपके सामने बार बार कह चुका हूँ, मैं रखना चाहता था, वो मनु जी की पारदर्शिता, उनकी ईमानदारी, उनका कुछ कर गुजरने का। आप जैसे जब यहाँ पर एंटी सिख रायट हुए दिल्ली में, मनु जी निकल गई उनके बीच में काम करने, उनको सहायता पहुँचाने, तो ये सामाजिक जागरूकता मनु जी की बहुत इम्पोर्टेंट रही, और वो उनकी कहानियों में झलकती है। और बदलते परिवार, बदलते समाज की जो 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 कठिनाइयाँ होती हैं, जो फॉल्ट लाइन होते हैं, जो इश्यूज होते हैं, उनको उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से किया, और कहीं कहीं उसका निदान कैसे होना चाहिए इसकी भी झलक मिलती है। जी शुक्रिया आनंद साहब, एक अच्छी बातचीत रही, और मुझे मालूम है कि काफी कम समय में आप यहाँ उपस्थित हुए, और यह हमारी ही गलती है कि हम आपसे कुछ विलंब से अप्रोच कर पाए। बहरहाल आपने उन्हें जितना पढ़ा है उनमें से अधिकांश आपको याद हैं, और यह एक अच्छे पाठक और अध्येता की निशानी ही है। उनके प्रति जो आपकी भावनाएं हैं, उनके रचनाकार को लेकर आपने अपने दृष्टि को जिस तरह से यहाँ रखा है, मुझे यकीन है कि हमारे सभी दर्शक श्रोता इससे लाभान्वित हुए होंगे, और मनु जी पर जो आगे काम करेंगे, जो शोधार्थी, जो छात्रगण उन पर, उनकी कृतियों पर आगे कार्य करेंगे, उनके लिए यह श्रृंखला उपयोगी साबित होगी, और आपका यह संवाद भी आगे के लिए काफी महत्वपूर्ण। अर्पण कुमार जी, मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। आपने जो मुहिम छेड़ी हुई है साहित्यकारों की रचनाओं के बारे में और उनका, इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत बधाई, और आपने मुझे मंच दिया उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। और मैं आपको पूरी शुभकामनाएं अपनी पेश करना चाहता हूं कि आज आप हिंदी साहित्य के लिए
हिंदी रचनाकारों के लिए इस तरह कार्यरत हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जब भी मौका मिलेगा मैं आपके संवाद सुनूंगा। जी जी बिल्कुल, शुक्रिया आनंद साहब। और साथियों, कल इस श्रृंखला में, इस एकाग्र में हम पुनः मिलते हैं। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद और आनंद जी का शुक्रिया कि वे हमारे लिए समय निकाल सके। शुभ रात्रि।